हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल किया है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस में अभी तक टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए हैं और देश भर से कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, एमटीएस में कितने आवेदन आए हैं, परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड जो है ना, वो जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा के टीयर वन के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन व सेंट्रल रीजन के अभ्यर्थी अपने अपने एसएससी रीजन की वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती के लिए टीयर वन की जो परीक्षा है ना, 1 सितंबर से 14 सितंबर 2023 के बीच होगी। इस बार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, इसमें देखिए चपरासी के पद हैं, चौकीदार के पद हैं, जमादार के पद हैं, माली के पद हैं, गेट कीपर के पद हैं, हवलदार के पद हैं, आदि के पदों की संख्या 1558 है। एमटीएस 2023 के लिए देश भर से करीब करीब 26,09,770 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है। मैं देश भर की बात कर रहा हूँ, देश भर से 26,09,770 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो फॉर्म की संख्या मैंने आप लोगों को बता दी है, 26,09,770 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है। अब देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना होगा वो भी जान लीजिए। उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रमाण पत्र के साथ एडमिट कार्ड ले जाना होगा। मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट ले जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। तो इनमें से आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी ज़रूरी है और साथ में आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा। देखिए, जो उम्मीदवार टीयर वन परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे एसएससी एमटीएस टीयर टू परीक्षा में उपस्थित हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपको टीयर वन की परीक्षा आपको पास करनी होगी। टीयर वन की परीक्षा पास करने के बाद आप टीयर टू की परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।